हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपके बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि हमारा जो सेकंड मेन एग्ज़ाम हुआ है छत्तीसगढ़ बोर्ड में, उसके रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर किए जाएंगे। तो मैंने कमेंट के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जवाब दिया और बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम में भी क्वेश्चंस पूछे थे, उनको भी हमने इंस्टाग्राम के माध्यम से जवाब दिया कि आपके रिज़ल्ट कब तक आने के चांसेस हैं। देखिए, अभी तक कॉपी करेक्शन ही चल रहा था। आज के डेट में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आज की तारीख है 29 अगस्त 2024, यानी अगस्त का महीना लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ बोर्ड में ये जो सेकंड मेन एग्ज़ाम रखा गया, यानी दूसरी बार मुख्य परीक्षा आयोजित की गई कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, ये परीक्षा 23 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2024 तक आयोजित की गई है। यानी 23 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक आपके कक्षा 10वीं और 12वीं के सेकंड मेन एग्ज़ाम, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में पहली बार कंडक्ट करवाया गया। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चों ने इसके एग्ज़ामिनेशन दिए, 10वीं और 12वीं के मिला के लगभग 82,000 स्टूडेंट ने अपना परीक्षा 10वीं और 12वीं का दिया, सेकंड मेन एग्ज़ाम का। और इसके पहले जो मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षाएं होती हैं, वो फर्स्ट मेन एग्ज़ाम था, उसमें लगभग 10वीं 12वीं के मिला करके 6 लाख स्टूडेंट ने अपने एग्ज़ाम दिए थे। और इन 6 लाख विद्यार्थियों में से बहुत सारे विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अपेक्षित नहीं आया, यानी वो जो चाहते थे वैसा रिज़ल्ट उनका नहीं आया। इस वजह से लगभग 82,000 स्टूडेंट्स ने सेकंड मेन एग्ज़ाम में बैठने का फैसला किया और उन्होंने एग्ज़ाम लिखा, और अब उनको बेसब्री से इंतज़ार है उनके रिज़ल्ट का। तो आपको हम बताते चल रहे हैं कि देखिए, आपके कॉपी करेक्शन का जो काम है वो 100% पूरा हो गया है। अब एक भी कॉपी नहीं बची है आपकी चेक करने के लिए। तो कॉपी करेक्शन का पूरा काम ख़त्म, अब सिर्फ रिज़ल्ट अपलोडिंग का काम चल रहा है, और हार्डली 10 दिन लगेंगे रिज़ल्ट अपलोडिंग में। तो बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी मीडिया आर्टिकल में ये बात सामने आई है कि आपके जो 10वीं 12वीं के सेकंड मेन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट हैं वो 10 सितंबर 2024 तक डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो अब आपने डेट सुन लिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अब आगे हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अब इसमें स्टूडेंट के कुछ क्यूरीज ये भी थी कि जिस तरह से फर्स्ट मेन एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट बनती है, तो क्या सेकंड मेन एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके अनुसार फिर से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी? पुराना जो मेरिट लिस्ट था स्टूडेंट का, क्या उस मेरिट लिस्ट में कोई बदलाव किया जाएगा, नया मेरिट लिस्ट आएगा? तो इसका जवाब बहुत ध्यान से समझिएगा। सेकंड मेन एग्ज़ाम में जो भी बच्चे अपीयर हो रहे हैं और परीक्षाएं लिख रहे हैं, उन बच्चों के नंबर जाहिर सी बात है सुधरेंगे। अगर आप अच्छे से परीक्षा लिख रहे हैं, आपके नंबर बढ़ेंगे। यदि आपके नंबर बढ़ते हैं, आपका परसेंटेज बढ़ता है, इससे मेरिट लिस्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप 99.9% भी सेकंड मेन एग्ज़ाम में लेके आ जाते हैं, इसके बावजूद भी आपको मेरिट लिस्ट में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये सेकंड मेन एग्ज़ाम लिखने वाले बच्चों के लिए है कि आप मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। नंबर आपका जरूर बढ़ेगा, परसेंटेज आपका जरूर बढ़ेगा, लेकिन आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। फिर बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा था कि जिनका फर्स्ट मेन एग्ज़ाम में नंबर कम था किसी भी कारण से, उन बच्चों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए और पुनर्गणना के लिए आवेदन दिया था, यानी री एवेल्युएशन करवाया था, रिवेल्युएशन जिसको आप कहते हैं, रिटोटलिंग आपने करवाया था, और बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर बढ़े थे, बहुत के तो नहीं बढ़ पाए किसी कारण से, और बहुत सारे स्टूडेंट के कई सब्जेक्ट्स में नंबर बढ़े हैं। तो नंबर बढ़ने की वजह से क्या अब वो बच्चे मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर आपके नंबर उस काबिल हो जाते हैं बढ़ने के बाद कि आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए, तो बिल्कुल आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। टॉप 10 की जो सूची फर्स्ट मेन एग्जाम की निकाली गई थी परीक्षा रिजल्ट के साथ साथ, उस मेरिट लिस्ट की सूची को दोबारा संशोधित किया जाएगा, और लगभग 10वीं में कम से कम 5 विद्यार्थी और 12वीं में कम से कम 3 विद्यार्थी से ज़्यादा, फिर से कह रहा हूँ ध्यान से समझिए, 10वीं क्लास में मिनिमम कम से कम 5 स्टूडेंट जो अभी पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना में जिनका नंबर बढ़ने वाला है, उनके नाम मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे, और 10वीं के कम से कम 3 विद्यार्थी और बल्कि 3 से ज़्यादा ही आपको मेरिट लिस्ट में दिखेंगे। यानी पुरानी जो मेरिट लिस्ट थी वो फिर से एडिट की जाएगी और उसमें नए स्टूडेंट शामिल किए जाएंगे, लेकिन जो सेकंड मेन एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। आपके नंबर जरूर बढ़ जाएंगे,
आपके परसेंटेज जरूर बढ़ जाएंगे लेकिन आपको मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा कि बोर्ड का ये जो डिसीजन है सेकंड मेन एग्ज़ाम के लिए, ये कैसा डिसीजन है, आपको कैसा लगा, ठीक है। दूसरी चीज़, रिजल्ट बड़ी तेज़ी से बनाए जा रहे हैं। जब फर्स्ट मेन एग्ज़ाम हुआ था उस समय 6 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा लिखी थी और 6 लाख स्टूडेंट की कापियाँ जाँचने के लिए बोर्ड ने लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 36 मूल्यांकन केंद्र बनाए थे, 36 कॉपी करेक्शन का जो सेंटर है वो बनाया था। अब चूंकि सेकंड मेन एग्जाम को सिर्फ 82,000 स्टूडेंट लिख रहे हैं 10वीं 12वीं के मिला के, इसलिए मूल्यांकन केंद्र कम ही बनाए गए थे, तो लगभग 20 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे कॉपी करेक्शन के लिए। और बीच में थोड़ा सा टाल मटोल हुआ, बहुत सारे लोकेशन पर टीचर ही नहीं पहुँच पा रहे थे कॉपी चेक करने के लिए, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया आपका रिजल्ट, अदरवाइज रिजल्ट और पहले आ जाता। तो टीचरों की ना जाने की वजह से, टीचरों की कमी के कारण से आपके कॉपी करेक्शन का वर्क थोड़ा सा डिले हो गया और आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिले होने जा रहा है। लेकिन फाइनली अब कॉपी चेक हो चुका है, खाली रिजल्ट अपलोडिंग का काम बचा है। बहुत ही जल्दी 10 दिन हार्डली लगते हैं रिजल्ट अपलोड करने में। तो बोर्ड की तरफ से टेंटेटिव डेट्स बताए गए हैं। टेंटेटिव का मतलब होता है अनुमानित, कोई फिक्स डेट नहीं हो सकता है। 10 सितंबर से पहले ही आपके द्वितीय मेन एग्जाम का, द्वितीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाए। तो फाइनल आप ये मान के चलिए कि 10 सितंबर 2024 तक एनी हाउ हर हाल में आपके द्वितीय मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोजित कर दिया जाएगा और सेकंड मेन एग्ज़ाम के रिजल्ट के साथ साथ फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। जैसे फर्स्ट मेन एग्ज़ाम के साथ साथ मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, बिल्कुल उसी प्रकार से सेकंड मेन एग्ज़ाम के साथ साथ भी आपके मेरिट लिस्ट, जो संशोधित मेरिट लिस्ट होगी उसको भी जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को जिन्होंने क्लास 10th और क्लास 12th में सेकंड मेन एग्जामिनेशन लिखा है। हम ईश्वर से ये उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के रिजल्ट अच्छे आएँ और आपके परसेंटेज बढ़ जाएँ। देखिए, जिन बच्चों के रिजल्ट इस बार भी ख़राब होंगे द्वितीय मेन एग्ज़ाम के, सेकंड मेन एग्ज़ाम में भी अगर आपके रिजल्ट नहीं सुधरते, तो फिर नेक्स्ट ईयर जब अभी 9th पढ़ने वाला बच्चा या अभी इस साल जो 10th में भएँ, वो जब मार्च में अपने मेन एग्ज़ाम लिखेंगे, या जो बच्चे इस साल 12th में हैं और मार्च में अपने बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे, तो सेकंड मेन एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट का अगर नंबर अच्छा नहीं आता, उसको दोबारा से अपने नंबर को इम्प्रूव कराना है, तो वो तीसरे अटैम्प्ट के लिए उन बच्चों के साथ जब मेन परीक्षा होगी मार्च अप्रैल में, आप वहाँ पर थर्ड अटैम्प्ट दे सकते हैं, तो आपको तीसरा अवसर भी दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे अवसर आपके लिए अभी अवेलेबल हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपके रिजल्ट अच्छे जाएं, आपका पेपर अच्छा बने, रिजल्ट अच्छा आए। और जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना करवाया था, अगर उनके नंबर बढ़ते हैं तो उनको मेरिट लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल बहुत सारे बच्चों की यही क्यूरी थी, तो मैंने लगभग हर स्टूडेंट के क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में दे दिया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और हमने ऐप भी चालू किया है जीनियस एकेडमी का, वहाँ पर आप कोर्सेज में ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स और साइंस का पूरा एक पैकेज है, 1499 रुपये में आपको दोनों सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी पूरे साल तक। मज़ेदार कोर्स है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल हैं, आप भी इनरोल होकर के अपनी तैयारी को एक लेवल इन्हांस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से फोड़ के आ सकते हैं। इसी प्रकार से 11th के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, 11th में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और क्लास 12th की फ़िलहाल अभी फिजिक्स हम लेकर के आए हैं, फिजिक्स में आप इनरोल हो सकते हैं क्लास 12th की स्टूडेंट और अपनी तैयारी को एक लेवल आगे लेकर के जा सकते हैं। कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है तो ज़रूर कमेंट करिए, आपके कमेंट को हम जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।